आज मैंने सोचा कि बाकी लड़कियों की तरह मैं तुम लोगों को ट्रांजिशन करके दिखाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, बट चलो ठीक है। LOL, मेरे से तो फोन भी ढंग से नहीं पकड़ा जा रहा है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी न्यू स्टडी व्लॉग। दिस इज मी भव्या एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। फर्स्टली लेट मी टेल यू गाइस कि आज मेरी छुट्टी थी। पहले तो मुझे सुबह उठ के करना था अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी कंप्लीट। कई बार तो मेरे को लगता है कि मैथ्स की नोटबुक कंप्लीट करते करते ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। अब मैंने सोचा कि मैथ्स की ना एक फॉर्मूला शीट बनाते हैं ऑफ दिस चैप्टर 3D ज्योमेट्री। तो ये मेरे को बहुत सारे पेपर मिले थे, तो मैंने इन सारे पेपर को स्टैपल करा एंड देन आई डिसाइडेड टू राइट द फॉर्मूलाज। सो मैंने फॉर्मूलाज लिखे, प्लस गाइज आई कैन शो यू एवरीथिंग दैट आई स्टडी इन अ होल डे इन दिस वीडियो, राइट। सो मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, पहले मैंने केमिस्ट्री की NCERT रीडिंग वाली वीडियो देखी, प्लस खुद भी रीडिंग की थी NCERT की, प्लस मैंने फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की कंटिन्यूएशन की, और कुछ भी किया होगा तो आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली एग्जैक्टली। तो हाँ, और आज मैंने ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं की, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, तो मैनेज कर लेना इस वीडियो के लिए ओनली। पता नहीं आज का वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट भी जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड ये मेरा भाई पीछे से चिल्ला रहा था, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड मैंने आज एक रिसोर्सेज वाला वीडियो भी शूट किया था इसके बाद, अपने स्टडी रिसोर्सेज आई यूज़ फॉर 12th ग्रेड, तो वो वीडियो भी आ जाएगा, शायद आ भी गया होगा। अगर वो वीडियो अपलोडेड है तो तुम जाके देख सकते हो उस वीडियो को, जिसमें मैंने अपने सारे रिसोर्सेज बताए हैं, जो चैनल्स मैं देखती हूँ, बुक्स यूज करती हूँ, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अभी मैं पढ़ रही थी फिजिक्स की थ्योरी एंड मैं ऐसे ही थ्योरी को बोल बोल के पढ़ती हूँ, एज यू गाइस ऑलरेडी नो। तो या एंड आई डोंट रियली नो कि ये क्लिप ज़्यादा ग्लिच क्यों कर रही है, तो इस करके मैंने ये पूरी नहीं डाली है क्लिप एंड कट कर दी थी इसके बाद वाली क्लिप। या नेक्स्ट क्लिप पे बढ़ते हैं जो कि सही से आए। सो गाइज, मैंने अपने स्कूल ग्रुप में देखा कि मेरा होमवर्क आ रखा है, टेस्ट ऑफ चैप्टर 1 फिजिक्स। और वैसे तो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था मेरा चैप्टर 1 का टेस्ट, बट दोबारा है पता नहीं। अब चलो कोई नहीं, एक बार प्रिपरेशन कर ही लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मैं दोबारा कर रही हूँ, बस एक बार रीडिंग लगा रही थी न्यूमेरिकल्स की। तो 1st से 15th तक हमारे स्कूल में करवाए हैं न्यूमेरिकल्स, एंड उसके बाद मैं स्कूल के नोट्स पढ़ लूँगी जिसके अंदर लाइक थ्योरी वगैरह है। और अगर टेस्ट होगा तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, और जब भी टेस्ट मिलता है होता है तो मार्क्स वगैरह तो मैं तुम्हारे साथ लाइक शेयर करती ही हूँ, तो वो भी मैं करती रहूँगी। तो या चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहे। तो मैं स्टडी ब्लॉग्स डालती हूँ एंड मच मोर रिलेटेड टू स्टडीज। और वैसे जो ये NCERT क्वेश्चंस हैं ना, वो हमें अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखवाए थे, बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं बुक में से ही करती हूँ, बिकॉज मेरे को अपनी खुद की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है कई बार। एंड मैं ज़्यादा फिजिक्स के नोट्स बनाने में ध्यान भी नहीं देती हूँ, बिकॉज फिजिक्स के जो नोट्स हैं ना, वो मेरे स्कूल के टीचर इसी बुक में से बनवाते हैं। सो आई एम हैविंग दिस बड़ी सी बुक ऑलरेडी, तो शायद ज़्यादा नोट्स बनाने की नीड नहीं है, बट हाँ बनाने तो पड़ेंगे ही, बिकॉज चेक होते हैं यार। अगर मैं स्कूल के नोट्स नहीं बनाऊंगी तो मैं तो गंदी बच्ची हो जाऊंगी ना क्लास में, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो स्कूल के नोट्स स्कूल की फेयर नोटबुक में बनाने ही पड़ते हैं। ओके, देन उसके बाद मैंने मार्क किया अपना टू डू डायरी, तो यहाँ पे मार्क करूंगी अभी मैं। एंड मैं 8 स्नैक्स भी लाई थी, इनमें से मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ एक टॉफ़ी दे सकती हूँ, और अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वो भी मैं ही खा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने फिजिक्स के नोट्स पढ़ रही हूँ स्कूल के बैठी हुई बेड पे आराम से। तो या अब इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।